जिसने पूरी म्यूजिक इंडस्ट्री में इन दिनों एक हंगामा सा बर्पा किया हुआ है, और वो नाम है आपके प्यारे स्टार जिनके बहुत सारे गाने आप अक्सर गुनगुनाते रहते हैं। जी हाँ, अल्तमश फरीदी। मतलब एक अलग जिंदगी थी मेरी, इतना आर्टिस्ट आगे तक नहीं जा पाता ताकि वो सरवाइव कर सके जी। तो इस चीज़ को देखते हुए फिर छोटा शहर हमारा जो सहारनपुर था, ये है कि वो गीत गाया आपने है और उस पर नाम जो है वो म्यूजिक कंपनी ने अरिजीत सिंह का छाप रखा है। हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि रहमान सर ने किसी को ऐसे बुलाया मिलने के लिए खुद से। तो वो जो म्यूजिक डायरेक्टर्स थे जो आपको नेक्स्ट वीक आना जी, डेढ़ महीने बाद आना, एक महीने बाद आना, अगले महीने बात करना, अब उनसे बात होती है क्या? तो पापा गए था कि यार तू इस लाइन में बहुत ज्यादा तरक्की के रास्ते पे, कुछ रास्ता नहीं है तरक्की का। तेरे वास्ते फलक से मैं चांद लाऊंगा, 16-17 सितारे संग बांध लाऊंगा। नेहा कक्कड़ से कैसे रिलेशन है उनको? नेहा कक्कड़ से भी अच्छी रिलेशन है। कसौले में उसको सिखाऊंगा नहीं, अब बोले मैं उन उस्तादों में से नहीं हूँ कि अगर ये मेरा बच्चा है इसको पकड़ के लाऊंगा मैं जबरदस्ती सिखाऊंगा। बोले अगर इसको शौक है तो ये खुद बैठेगा, रियाज करेगा मेरे साथ बैठ के, तो इसको सिखाऊंगा। लास्ट टाइम जब मिले तो मुझे बोला अरिजीत ने कि अल्तमश तेरे गाने जो है बोले यार मुझे बहुत पसंद है। अभी रहमान सर के यहाँ से कॉल आया, रहमान सर ने बुलाया तो फिर चेन्नई या फिर हम कहीं भी जाएंगे उनके लिए। जिस चाहतोने सच में कितना चाहा। मेरी सोच शुरू से बड़ी थी, मतलब मुझे इन सब चीजों में नहीं बनना था कि मैं बाइक का काम करूं, किसी शॉप पे लग जाऊं, या मतलब मैं कोई नौकरी करूं। तो मेरा टारगेट बड़ा ही था शुरू से। तो मेरा एक गीत रातों रात ऐसा कमाल हो गया कि बिलाल सहारनपुरी का लिखा हुआ वो गीत कि जनता पुकारती है अखिलेश आइए जी, सर अल्तमश ट्राई करो। तो मैंने गाया गाना तो वो लोग ऐसे देख रहे थे। टिकट फाइनली हुआ मुंबई का, मैं बड़ा रोने लगा दोस्तों से मिलके, जो बचपन के दोस्त थे। मैंने कहा यार अब वो 500 रुपये मैंने रखी और मैं जब सुबह में उठा वहाँ पे तो वो 500 रुपये मेरे पास थे नहीं। पूरा दिन निकल गया, मैंने कुछ खाया नहीं, मेरे पास पैसे अनकान उधर ही रहता होगा कहीं पे 4 रुपये इजिली। मैंने कहा सब लोग मिलेंगे, मुंबई जा रहा हूँ तो सब, मैंने कहा इजिली हम लोग मिलेंगे सर। जाहिर है कि अब आपको काम ढूंढना है, अब आपको ट्रायल देना है, आपको म्यूजिक डायरेक्टर से मिलना है, आप किसी बड़े मौके की तलाश है। सबसे पहले आप किस म्यूजिक डायरेक्टर के पास गए? मेरी जो जर्नी चेंज हुई है वो चेंज हुई है, एक शो आया था DD1 पे क्लोजअप परफॉर्मर, चांस देते हैं वो नए सिंगर्स को भी तो वो बड़ा बन जाता है जी। जैसे प्रीतम दा हो गए हैं, जैसे विशाल जीकर हैं, सचिन जीकर हैं, उस शो का मैं विनर बना हूँ। ओके, और वहां से मुझे प्राइज मिला 11 लाख।